मैं मोदी जी से बस यही निवेदन करता हूँ सर, मोदी जी मैं अपना हक मांग रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, आपके द्वारा जो भर्ती निकाली गई है मैं नियमों और कायदे में रह करके मैंने भर्ती पास की है सर, मेरा भर्ती करवा दो मोदी जी, बस आपसे यही निवेदन है मोदी जी, जिंदगी बर्बाद हो रखी है मोदी जी, आप बताओ तो अभी मैं खड़े खर मरने के लिए तैयार हूँ मोदी जी। अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा बलों व अन्य नौकरियों में चयनित सैकड़ों युवाओं ने भर्ती बहाल करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के बैनर तले किया गया। छात्रों ने कहा कि अग्निपथ योजना की आड़ में हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया गया। बता दें कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने से पहले करीब 1.5 लाख युवाओं को डिफेंस फोर्स में नियुक्ति के लिए चुना गया था। युवा लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल पास करने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सर मेरा एयरफोर्स में कंप्लीट सिलेक्शन हो गया था, हर प्रोसेस कंप्लीट हो गया था सर। 2019 के दिसंबर में सर नोटिफिकेशन आया था एयरफोर्स की वेबसाइट पर, सर उसके लिए अप्लाई हमने किया, उसका मार्च सर एग्जाम उसका मार्च 2020 में होना था, जो कोविड के फर्स्ट वेव की वजह से पोस्टपोन्ड होके वो नवंबर 2020 में हुआ था सर। उसका रिजल्ट दिसंबर 2020 में आया, जिसके लिए हमने फिजिकल सर जनवरी 2021 में दिया था और फरवरी में सर उसका मेडिकल हुआ था और मार्च में रीमेडिकल हुआ था सर। उस टाइम मेरी उम्र सर 20 साल थी, जिस दिन मैं रीमेडिकल का अपना पास करके आया था। उसके बाद सर मई में 31 मई 2021 को एक लिस्ट आती है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, उसमें जो जो मेडिकल में फिट और अनफिट होते हैं उनकी लिस्ट होती है वो, उसमें लिखा होता है कि 10 जुलाई 2021 से आप सबके जॉइनिंग लेटर आने लग जाएंगे सर। वो 10 जुलाई आज तक हमें पता ही नहीं चले कि 10 जुलाई 2021 कब आएगी। अच्छा, तो मतलब परीक्षा हुई, फिर फिजिकल हुआ और उसके बाद इनका मेडिकल है, मतलब तुम्हारी ज्वाइनिंग का लेटर आना बाकी था। जॉइनिंग लेटर आना बाकी था, हमें ट्रेनिंग पे जाना था। आज तक सर हमें पता नहीं चला हमारी कैंसिल क्यों होगी, हमें ना तो कोई नोटिस दिया गया ना कुछ बताया गया। सर मेरा भी वही एयरफोर्स का ही है और इसके लिए मैंने बहुत सारे RTA लगाए थे। एक RTA 14 जून को अपनी जो 31 मई को फाइनल नोटिस आता है कि आपकी भर्ती डिले, उसके 14 दिन बाद ही आपका जो वो है कैंसिल अग्निपथ स्कीम आती है और वो हमारी भर्ती है वो पूरी कैंसिल हो जाती है। ये मैंने RTA डाली थी, ये 15/7/2022 की, उसके बाद की डाली है मैंने ये, और ये 22 कोई स्पष्ट रीजन नहीं दिया जी, नहीं, ये 27 सितंबर 2022 की है, इसमें भी कोई क्लियर नहीं बताया कि हमारी भर्ती कैंसिल हो चुकी है। हमारे पास नीचे डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट है मेरा, ये सेकंड फेज का है, यानी कि पेपर फर्स्ट जो पेपर होता है वो क्लियर करने के बाद सेकंड फेज GD के लिए और फिजिकल के लिए बोला जाता है, वो पास होने के बाद ये हमारा ये मेडिकल का सर्टिफिकेट है जो मेरा ग्रीन कार्ड का है, उसके भी हो गया था आपका जी हाँ, मेडिकल क्लियर है। और इसके बाद ये PSL आती है, जो लिस्ट आती है उसमें मेरी रैंक है ये जो PSL है तुम्हारी, ये जी हाँ, इसमें बताया जाता है कि ये 10 जुलाई 10/7/2021 यानी कि इसको आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, एनरोलमेंट लिस्ट विल बी पब्लिश जो ऑन 10 जुलाई 2021 को ये पब्लिश हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं आया अब तक, अभी तक हम ऐसे ही डोल रहे हैं और हमारे पास कोई भी ना तो नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग कि हमारी भर्ती कैंसिल हो चुकी है। ओनली केवल क्या है, हमारे पास जो मीडिया में दी हुई बायट है, हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा जो आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा मीडिया में दी हुई बायट है कि उन्होंने बोला है कि आपकी भर्ती कैंसिल हो चुकी है, बस आगे से जो भर्ती होंगी वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू आएगी। मेरा एक्स और वाई दोनों में हुआ था और ये एक दूसरी PDF है जिसमें मेरा यहाँ पर है ये रैंक है, ये आप देखो। क्या खुशी हुई थी जब ये नंबर देखा था? जब ये पहली बार नंबर देखा था तो मेरे घर वालों ने, मैंने, सब ने इतनी उसके बाद मेरा जन्मदिन पड़ता है, इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया था कि मैं कुछ दिनों के बाद जॉइनिंग पे जाने वाला था, लेकिन वो ना तो मैं जॉइनिंग पे गया और ना मेरा, फिर उसके बाद मैं बर्थडे नहीं मना पाया, कभी भी नहीं मना पाया, क्योंकि आपको पता है जब हमारी जो हम लोअर क्लास फैमिली होती है वो ना तो बर्थडे मनाते ना कोई मनाता है, ना हम खुद मनाते ना हमारे घर वाले मनाते, लेकिन पहली बार उन्होंने घर वालों ने मेरा बर्थडे मनाया था उस टाइम पे, और आज उस दिन के बाद ना तो मैंने मनाया कभी, अब तक नहीं मनाया, ना वो मनाएंगे अब मेरा। तो जिस दिन मुझे ग्रीन कार्ड मिला, मैं पास हुआ था मेडिकल में, तो उस दिन मेरा 20वां जन्मदिन था सर, 18 मार्च 2021 को। अब इस साल मार्च में 18 मार्च को मैं 23 साल का हो जाऊंगा सर, तो 3 साल हो गए हमें क्लियर किए हुए, 3 साल से हम भटक रहे हैं, आज तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, जो मार्च के 3 महीने 4 महीने बाद ही हो जानी चाहिए थी। क्या बर्थडे पे इतनी बड़ी खुशी मिली, कैसे सेलिब्रेट किया था? इतनी बड़ी खुशी मैंने घर वालों को बताया नहीं था कि आज मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा। पिछले दिन फोन आया था, एक हफ्ता लगा था सर मुझे गोरखपुर में अपना रीमेडिकल में, सर मैंने घर वालों को बताया नहीं था कि आज मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा, मैं आज पास हो जाऊंगा। जब मुझे मिल गया था उसके बाद मैंने फोन किया था कि आज मेरा क्लियर हो गया है सर। घर वालों ने मेरे ना रहने के बावजूद मेरा बर्थडे घर पे मनाया था,
मैं 2 दिन बाद आया था गोरखपुर से, मेरे ना रहने के बावजूद भी मेरा बर्थडे मनाया था, वो खुशी है सर। उसके बाद से बर्थडे कभी इच्छा नहीं हुई कि हाँ बर्थडे आ भी रहा है नहीं आ रहा है, पता भी नहीं चला सर। सेलिब्रेट नहीं किया कभी? कभी नहीं सर। मैंने ओपन आर्मी ओपन भर्ती एआरओ आगरा से देखा था, जिसमें मैंने अपनी पूरी प्रक्रिया कर ली थी, लेकिन जब मेरा एग्जाम का टाइम आया तो उन्होंने मेरा एग्जाम क्लियर कैंसिल करा दिया। और शुरुआत में इन्होंने जो मेरी भर्ती हुई होनी थी 2019 में होनी थी, लेकिन 2019 में अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उसका आगरा में आगमन के कारण हमारा पोस्टपोन हो गया, और उस पोस्टपोन की वजह से कुछ दिन बाद कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लग गया, तो 2020 में भी नहीं हुई। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ भर्ती प्रक्रिया फिर दोबारा स्टार्ट हुई, हमने 2021 में अपना फिजिकल और मेडिकल करके 2021 में एग्ज़ाम के लिए हमारा एडमिट कार्ड भी दिया। जब एग्ज़ाम देने उस डेट के एक दिन पहले सेंटर पर पहुँचे तो हमें ये बोल दिया गया कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो हमें दूसरा एडमिट कार्ड दिया गया, दूसरी डेट दी गई। लेकिन जब तक वो दूसरी डेट आती उससे पहले हमें पता चला कि हमारी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। क्या नाम आपका? अभिनव। कहाँ से अभिनव? पंजाब से। तो आपकी कौन सी किस जगह नंबर आपका आया था? मेरा आर्मी जीडी में था, इंडियन आर्मी में। क्या हुआ? कैंसिल कर दिया वो। कैंसिल कर दिया? हाँ जी। अग्निवीर के लिए भरा आपने? नहीं, के भरने के लिए एज ही नहीं बची थी। एज नहीं बची क्योंकि लास्ट भर्ती में मैं क्वालिफाइड हुआ था, तो उसके बाद 2 साल मतलब इन्होंने हमें लटका के रखा कि आपका पेपर अब होगा अब होगा। उसके बाद जब अग्निवीर के लिए 23 एज रखी गई तो हम ओवर एज थे उसमें, क्योंकि 21 में लास्ट एज में क्वालिफाइड हुई थी मेरी भर्ती। इसके लिए सर मैंने 5 साल मेहनत की है। 350 का बैच होता है सर आर्मी का, उस 350 में सर 20 से 25 लड़के मुश्किल से पकड़ाते हैं सर, उसमें से मैं पास होके आया हूँ सर। ठीक है सर, 12 बजे दोपहर सुबह शाम रनिंग करता था सर, उसके बाद सर मैं 300 के बीच में सर रनिंग पास किया हूँ सर। और बिना बताए सर इस इतना बच्चे सर आत्महत्या कर लिए सर, मेरे जितने भाई थे वो मतलब हर किसी की मजबूरी होती है सर अलग अलग। अच्छा, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी करी? बहुत लोगों ने सर आत्महत्या करी है, कम से कम सर 70-75 के लमसम लड़के आत्महत्या करी है सर। उन लोगों का दर्द सर कौन सुनेगा सर। हम लोगों ने सर आखिर सर कहना ये बहुत आसान हो जाता है कि सर अगर जो हो गया अब दूसरा रास्ता सर कैसे चुन लूं दूसरा रास्ता। अग्निवीर के लिए अप्लाई किया आपने? सर अग्निवीर में हमको जाना ही नहीं था, मैंने सर जिस पोजीशन पे सर जिस प्रोसेस को मैंने पास किया सर उसको छोड़ करके मैं दूसरे को क्यों देखूं सर। मुझे सर ये भर्ती करवा दो सर। मैं मोदी जी से बस यही निवेदन करता हूँ सर, मोदी जी मैं अपना हक मांग रहा हूँ आपसे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, आपके द्वारा जो भर्ती निकाली गई है मैं नियमों और कायदे में रह करके अपना भर्ती अपना नियमों कानून के सर मैंने भर्ती पास की है सर। मेरा भर्ती करवा दो मोदी जी, बस आपसे यही निवेदन है मोदी जी। जिंदगी बर्बाद हो रखी है मोदी जी, आप बताओ तो अभी मैं खड़े खर मरने के लिए तैयार हूँ मोदी जी, और जिंदगी में कुछ नहीं बचा है मोदी जी। मैं अभी लाइव अभी अपना आप खुद को मार के दिखा दूंगा मोदी जी, इतना मैं कहता हूँ। जिंदगी में मुझे पाने और खोने के लिए कुछ नहीं बचा है सर, मैं इतना बताता हूँ। मैं अभी रोज आऊँ, बस मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ सर। 2021 में भर्ती देखी उदयपुर में मेरी, ठीक है, और 25 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम होने था, तो फिर एग्ज़ाम के लिए पूछा था, फिर बोला जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा अगस्त में होगा, अगस्त में पूछा फिर बोला नवंबर में होगा, ऐसे करके करके मेरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और मैंने लाइफ में मैंने 15 भर्ती देखी थी और मेरे को विश्वास था इस भर्ती में मेरा 100% सिलेक्शन होगा। मैं अभी क्यूआर ट्रेड से था, जीडी के अंदर मैंने एक्सीलेंट मारा था 3 बार, फिर ट्रेड के अंदर एक्सीलेंट मारा था, 400 बच्चे में से मैं 1 नंबर पर एक्सीलेंट आया था। इस बारे में छात्रों के एक गुट ने तत्कालीन सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सेना भर्ती पर सरकार जल्द निर्णय करेगी। सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, देश की सेना भर्ती की जो रैलियां हैं जल्दी इनकी तारीख की घोषणा कराएंगे। जितने भी रिजल्ट रुके हुए हैं चाहे एयरफोर्स के हो नेवी के हो चाहे सेना भर्ती के हो, तमाम भर्तियों की घोषणा जल्दी करा देंगे। देश के रक्षा मंत्री जी से मेरी आज बात हुई है, पूरी सारे डेलीगेशन के साथ सबके साथ बात हुई है और निश्चित रूप से एज रिलेक्सेशन के साथ सारे मामलों पे बात हुई है और ये नौजवानों के संघर्ष की जीत होगी। मेरा पूरा प्रयास आपके साथ है, आवश्यकता पड़ी तो सड़क पे बैठूंगा आपके लिए, जरूरत पड़ी तो। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप नौजवानों। गोंडा में एक रैली के दौरान भी राजनाथ सिंह को युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा था, सुनिए तब उन्होंने क्या कहा। चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है, ठीक होगी होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। सर मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ। सर मैं एयरफोर्स की भर्ती पूरी करी थी हमने, मतलब पेपर वगैरह सब क्लियर कर दिया था,
पेपर, फिजिकल, मेडिकल, सब कुछ, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था। मेडिकल का ग्रीन कार्ड है ये मेरा। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए क्या बोला, किसी से मुलाकात हुई आपकी? हमने मतलब मुलाकात हुई थी रक्षा मंत्री से, जब हमने प्रोटेस्ट किया था, डेढ़ साल तक हमने वेट किया पहले राजनाथ सिंह जी से। हाँ, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी भर्ती पूरी कराएंगे, ज्वाइनिंग लेटर आपको देंगे, क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग लेटर ही बाकी था। लेकिन फिर 15 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते कि आपको वापस से सब कुछ करना है, आपकी भर्ती कैंसिल हो गई। तो अब हम कहाँ जाएँ, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता। दोबारा मुलाकात नहीं हुई? दोबारा मुलाकात नहीं हुई। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देखते हैं हम सरकार कब सुनेगी। दौड़ ले लिया कोरोना के रास्ते भर में, दौड़ ले लिया, और जब कोरोना खत्म हुआ उसके बाद एग्जाम हम लोग के पोस्टपोन कर दिया, डेट को बढ़ा, तो 2 साल करीब, 1.5 साल लगभग बढ़ा के चल गया हम लोग का। और हम लोग अकाडमी में जाके तैयारी की, हम लोग अग्निवीर के लिए नहीं अप्लाई किया? अग्निवीर नहीं, नहीं नहीं, क्लर्क का 23 साल एज होता है, जिसमें मोदी 21 साल कर दिए, हम लोग का 20+ हो गया था, तो कहाँ से भराएगा। हम लोग जो तैयारी करने वाले होते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, घर वालों ने बैंक से लोन लेके कागज़ गिरवी रख के जब लखनऊ में पढ़ाया था 1 साल के लिए, लेकिन उन्हें घर वालों को तो एक ये था ना कि बंदा लड़का डिफेंस में जाएगा, डिफेंस तो कभी धोखा कर ही नहीं सकती, लेकिन इन्होंने एक तरीके से इलीगली हमारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करते करते कैंसिल कर दिया था लास्ट में। और सर इसी बीच में पिताजी के, जब मेरे 2021 में थे, वो भी एक भूतपूर्व सैनिक थे, लेकिन 2 अगस्त 2021 में वो एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद से आज भी मैं प्रदर्शन में आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे हमारे साथ न्याय नहीं। बेरोजगार बनाने दिए मोदी, तो आप क्या तैयारी करेंगे? स्टेट पुलिस का निकला तो भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। हम लोग को और तो कह रहे हैं देश बहुत खुशहाल है, राम मंदिर भी बन रहा है, तो सब सही हो गया। राम मंदिर बनने से हम लोग खाना चल जाएगा, राम मंदिर हम लोग को जॉब मिल जाएगा राम मंदिर बनने से। लोगों को होता है कि राम मंदिर बना तो सब बेरोजगार लड़का को जॉब मिलता था, एगो रहता कि चलो राम मंदिर बना तो बेरोजगार, लेकिन कुछ जॉब। राम मंदिर बनाया हमारे प्रधानमंत्री ने, हमको भी नौकरी लग जाए तो हम भी अपना गांव में पूछ के मंदिर बना देंगे भगवान। अच्छा, हाँ, वो अपना इलेक्शन के लिए उद्घाटन कर रहे हैं। राम मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, उसका उद्घाटन करने के लिए तैयार हो गया मोदी सरकार, मेरा माहौल बना रहा है। ये जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपने हक के लिए, और ये मोदी पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी वैकेंसियां थी, जो अग्निवीर से पहले जो भर्तियां निकाली गई थी, जिनको कैंसिल कर दिया गया है, उनको दोबारा से इन्हें भर्ती किया जाए, क्योंकि इनका परीक्षा पास हो चुकी है, इनका फिजिकल हो चुका है, इनका मेडिकल हो चुका है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। ऐसे तमाम छात्र यहाँ पर हैं, और अग्निवीर को लेकर भी ये कहते हैं कि अग्निवीर उन्होंने कभी सपना ही नहीं देखा था, इनका सपना था फौज में जाने का। ये दूर दराज से लोग आए हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई की है, अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर इन्होंने कोचिंग ली है, जैसा इनका कहना है कि कर्ज भी लिया इन्होंने, उसके बाद पढ़ाई की। मैं अवधेश कुमार जंतर मंतर से newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।